आज का हमारा गेम चीता कैंप में लड़ते हुए किंग फाइटर वर्सेस मुंबई किंग से चीता कैंप में मंदिर वाले ग्राउंड में हमारा गेम लड़ते हुए। और ये आज हमारे आज पूरा मैच कवर करेंगे, पूरा ब्लॉगिंग करेंगे, ठीक है, पूरा लाइव पेज आपको दिखाया जाएगा हमारे करेंगे। और ये सब मैदान है, जाहिद भाई पूरा कवर करेंगे। ये हमारा पूरा मैदान है, देखते हुए बहुत अच्छा मैदान है, बहुत दूर तक पतंग लड़ेगी, अभी सब सब कवर होएगा। और नहीं मुस्ताद क्या कर रहे हो? बस पतंग चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। जरा हमें भी बताइए और हमारे व्यूवर्स को भी बताइए कौन कौन सी पतंग लेके आए हो आप आज। ये मोहित की है, दिखाइए। मोहित, ये मोहित की पतंग है। एक पेस तो मिलेगा साला। और ये आपका मुरसलिन मिल जाएगी, दिल्ली के मुरसलिन। काफी बढ़िया बढ़िया पतंग है भाई आपके पास। ये बिलाल की आ जाएगी, ये इरफान खानदानी है। इरफान खानदानी, हाँ वाह। ये असगर आएगा, असगर असगर फोटो, हाँ असगर भाई मेरठ। ये बबलू की आ जाएगी, बबलू मोहिनीपुर वाला लखनऊ। क्या बात है, क्या कलेक्शन है नईम भाई आपका। ये इसरा नाना आ जाएगा मुरादाबाद। ये जगदीश अजीत की पतंग है, बहुत बढ़िया पतंग रहती है इनकी। दूर की पतंग है ये लखनऊ के। ये जगदीश की पतंग है बराबर। ये दामोदर आ जाएगी, दामोदर। हाँ ये भी इसरार नाना की है, इसरार नाना। ये नाजिम की है मुरादाबाद। क्या बात है भाई, कितने कलेक्शन है यार। ये मास्टर जी मेरठ। अच्छा ये मेरठ है, हाँ। और ये दीप कुमार की बहुत पुरानी पतंग है, दीप कुमार। हाँ जी, अब ये भी देखिए असगर फोटो आ जाएंगे। ये शब्बन भाई जाएंगे। इमरान इमरान कदरी मुरादाबाद के ही है ये। क्या बात है भाई, ये मास्टर जी मेरठ। और लोग दिखाइए, ये शब्बन उस्ताद है, शब्बन उस्ताद। हाँ जी, अब ये सब जो है छोटे बेच की है, इसमें नाजिम की है, जगदीश अजीत है, ये सब पतंगे। इसमें सबसे अच्छी आपको कौन सी मनपसंद कारीगर की पतंग है, सबसे इसमें टॉप की पतंग आप कौन सी प्रेफर करते हो? सबसे छोटे बेच की अभी फिलहाल नाजिम की उड़ा रहे हो, जगदीश अजीत। आपकी फेवरेट पतंग कौन सी है इसमें? जगदीश अजीत। जुगाड़ हो गया वाला। दोस्तों नईम उस्ताद जो इनकी फेवरेट पतंग है वो है जगदीश की, जगदीश अजीत। और ये हमारे उभरते हुए खिलाड़ी मुंबई से पुन्नू। पुन्नू आप कौन सी पतंग उड़ा रहे हो? इसरार नाना मुरादाबाद। अच्छी पतंग है ये भी, ये दूर की लड़ेगी के नजदीक की? मीडियम रेंज की पतंग है। अच्छा ये मीडियम रेंज की है। और उस्ताद मांझा आज कौन सा लेके आए हो आप? मैं तो दो मांझा है, हसीन लल्ला। दिखाइए हसीन लल्ला, वाह। ये हसीन लल्ला की डोर है, लच्छी वाली डोर। अच्छा ये लच्छे वाली डोर हसीन लल्ला। वाह तुम्हारे चरकी पे तो तुम्हारा नाम भी है। जी जी, ये कौन सी डोर है? फरमान की डोर। मतलब आज अब इससे पतंग लड़ाओगे? दो ही डोर लेके आए हो, बहुत खूब। दोस्तों ये अर्पित भाई है जो उस दिन दो सत्ते मारे थे, मैंने अपनी कम्युनिटी पे भी डाला था, आज फिर आ गए वो मैदान में। आज क्या करेंगे मैदान में? आज भी दो सत्ते है कि नहीं? दो सत्ते कटेंगे आज। देखो ये पिंकी भाई है, ये बोल रहे कि आज ये दो सत्ते कट के जाएंगे, उस दिन इन्होंने दो सत्ते काटे थे। इनकी भाई भाई बहुत हार्ड आदमी है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इनके आगे बड़े बड़े बम्बई में सब फेल हैं। अच्छा मुंह से। कौन सी पतंग उड़ा रहे हो आज? ये कौन सी पतंग है? बाबू अनीस। अच्छा बाबू अनीस की प्रेफर करते हो? ये कहाँ से लेके आए हो आप? मुरादाबाद। अच्छा ये मुरादाबाद की पतंग उड़ाते हो आप, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे गुफरान भाई किसकी पतंग है ये सब? दूल्हे की है। दूल्हा? ये बाबू अनीस की है। ये किसका ब्लॉग है आपका? ये मेरा। अच्छा ये दोस्तों ये गुफरान भाई के ब्लॉग से कुछ बहुत अच्छी अच्छी पतंग लेके आए हैं, हम आपको उनके पतंग का कलेक्शन दिखाते हैं। ये कौन सी पतंग है भाई? ये दूल्हे उसकी है, दूल्हे। बहुत अच्छी पतंग है भाई। ये दूल्हे की है। राजा ये शार... राजा। अरे बाप रे बाप। ये रजाई की, रजाई किसकी है? ये रजी मुरादाबाद, रजी मुरादाबाद की है। ये दोस्तों ये रजी अंसारी की है मुरादाबाद। ये बाबू अनीस की है, बाबू अनीस बहुत अच्छी। और दिखाइए पास दिखाइए। AKC ये कहाँ की है? AKC कानपुर की। अच्छी पतंग लग रही है। और ये ब्लू है, ये आदिल की है, आदर्श की लखनऊ। अच्छा ये लखनऊ का है। ये आदिल की देखिए, ये आदिल का है, ये आदिल की है। ये बड़ी खूबसूरत पतंग है भाई आदिल की। ये JRM की है, ये JRM है।
ये बेटा कांच मत फोड़ो उधर, ये मेरा बच्चा, ये गाय की है, या जगुआर, ये भी आदिल की है, ये भी आदिल की है दोस्तों, जगुआर है ये, जगुआर है, देखिए लोगो दिखाता हूँ आपको जगुआर का। पतंग काम की भी है कि नहीं, खाली लोगो दिख रहा है, एक नंबर, एक नंबर है, ये चलो लाइए फिर आज कलीदार पतंग, जमा की है ये, जमा की पतंग है दोस्तों, कलीदार बोलते हैं इसको, कलीदार फुल फर्मा, फुल फर्मा, ये मुरादाबाद की है। अच्छा ये मुरादाबाद, ये छोटे, ये पीछे लेके चलना बच्चा, ये देखिए खानदानी की, खानदानी अच्छी होती है, खानदानी की, लखनऊ, 100 रुपए की एक पतंग है, 100 रुपए की है दोस्तों, ये जो पतंग देख रहे हैं आप, इसकी वैल्यू है 100 रुपया एक पतंग की, ये लगता है आप उड़ा रहे नहीं, वहाँ खाली रखे हुए हो, सीलन पकड़ ली पतंग, मुद्देदार पे माहौल, अच्छा खाली शो के लिए, इनकी हर पतंग पे डाल लगा रहेगा, ऊपर नग लगे रहेंगे हर पतंग पे, अच्छा ये नग खानदानी है, हर नग लगे रहते हैं। देखिए दोस्तों ये जो खानदानी पतंग है ये 100 रुपए की आती है, उसकी पहचान ये है कि इसमें 2 नग ऊपर लोग लगा के देते हैं, मेन इनकी, ये गुफरान भाई इसी शौक के लिए रखे हैं, ये उड़ाते नहीं है क्योंकि बहुत महंगी पतंग है, नहीं बहुत अच्छी पतंग, बहुत अच्छा कलेक्शन गुफरान भाई, शुक्रिया आपका। दोस्तों आइए अब हम आपको इमरान भाई की पतंगे दिखाते हैं, इमरान भाई क्या कलेक्शन लेके आए हो? ये रहा कलेक्शन, क्या है कलेक्शन में आपके? पतंग है, आइए उठाइए, हैदर की, अच्छा ये सब हैदर की पतंग है, मुरादाबाद, ये पी एस है, आलम, आलम हाँ कानपुर, आलम कानपुर, सब नई नई पतंगे है भाई, सब नई पतंगे, जमा बरेली, जमा बरेली, ये अच्छी है, ये लखनऊ की पतंग है, पकड़ो मन्नू। दोस्तों पतंग की डिज़ाइन देखिए, ये किसकी पतंग है? एलकेम, ये लक्की काइट, बहुत ही अच्छी पतंग है भाई, पसंद आ गई भाई मेरे को यही पतंग, ये देखिए मनु इसका नाम लीजिए, कौन सी पतंग है? जमा भाई, जमा की पतंग है भाई, जमा की है, बरेली, जमा बरेली, जमा, ये भी बहुत अच्छी है यार, काफी अच्छी डिजाइन बना रहा है यार जमा तो, पकड़ो, ये भी जमा बरेली भाई, ये भी जमा बरेली, और ये जमा उस, सब जमा की ज्यादा उड़ा रहे हैं, ये भी जमा की है दोस्तों, बताइए, ये भी जमा की पतंग है, अच्छा ये जो लाइन है ये हाथ से बनाते कारीगर लोग? हाथ से बनाते, हाथ से, हाथ से, ये पतंग भी महंगी आती होगी, इसका क्या कॉस्टिंग रहेगी ये पतंग की? ये होगी करीबन 35 रुपए की, 35 रुपए की पतंग है पप्पू, दोस्तों ये डिजाइन देख रहे हैं ये कारीगर अपने हाथ से बनाते हैं, पप्पू बरेली की, पप्पू बरेली की पतंग है ये, और ये भाई फट गई है यार, ये विलियम की पुरानी पतंग है, विलियम कुछ नहीं 12-13 साल पुरानी, दोस्तों ये विलियम की पतंग है, ये 12 साल पुरानी पतंग है, और ये शाहिद भाई ने इसको सजा के रखा है, उड़ाते नहीं है, कितने की कॉस्टिंग है इसकी? ये 35-40 रुपए की है, 12 साल पहले, तो अब क्या है? अब तो है भी नहीं, अब ये पतंग मिलेगी भी नहीं दोस्तों, ये विलियम की बहुत मुश्किल है पतंग, इन्होंने कलेक्शन संभाल के रखा था, ये 12 साल पुरानी पतंग है, ये देखिए डमरू जल्लाद, ये डमरू जल्लाद, जल्लाद इसकी कॉस्टिंग क्या है? 40 रुपए 40 रुपए की, बहुत अच्छी पतंग है, दूर पे लड़ती हैं, दूर पे, शुक्रिया शाहिद भाई, अच्छा कलेक्शन है आपका। दोस्तों अगला मैच हो रहा है, पुन्नू है नीचे से, ऊपर से है शाहिद, पेच की दूरी 1000 मीटर, और पुन्नू ने ये पेज काट दिया, दोस्तों पेज सही हो चुका है, पुन्नू है नीचे से और ऊपर से है फैयास, क्या नाम है शाहिद, पेज सही हो चुका है, पुन्नू अपनी पतंग को बल दे रहे हैं, अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, ये दोनों के बीच घसीटतानी हुई और पुन्नू ने ये पतंग काट दी, बहुत ही खूबसूरती से काट दी है, बहुत खूब पुन्नू भाई, ये देखिए ये शाहिद की पतंग कटते हुए जा रही है, पुन्नू भाई ने घसीट के काटा है। दोस्तों अगला पेज देखते हैं, ये जो वाइट वाली पतंग है, वाइट और चप, यह है विनोद की, और जो काली वाली पतंग है वो है पुन्नू की, पेज हो रहा है दोनों के बीच में और इन्होंने काट दिए,
बहुत ही अच्छा लड़ाते हैं पुन्नू, पुन्नू ने ये पतंग काट दी। दोस्तों पुन्नू का पांचवा पेच होने जा रहा है। पुन्नू वापस से नीचे से है और ऊपर की पतंग जो है वो है शाहिद की। ये पुन्नू अपनी पतंग नीचे कर रहे हैं, पेच सही हो चुका है दोस्तों। ये और ये पतंग भी पुन्नू ने काट दी है, पांचवा पेच पुन्नू ने काट दिया उसका। छठी पतंग काटे हो, बेटा ये पेच दोस्तों ये पेच सही हो चुका है और पुन्नू की पतंग है लेफ्ट वाली नीचे से। अभी पेज बराबर हुआ नहीं है। दोस्तों ये पेज हो रहा है नीचे से है पुन्नू, लेफ्ट की पतंग जो है वो पुन्नू की है और ऊपर की पतंग है विनोद की है। पेज की दूरी 1000 मीटर और ये पुन्नू ने घसीटना चालू किया और इन्होंने पुन्नू ने ये पेज बहुत ही खूबसूरती से काटा है दोस्तों। बहुत अच्छा लड़ाते हैं पुन्नू और ये मुंबई के गोल्डी है, देखा जाए तो मुंबई के गोल्डी है ये पुन्नू। बहुत अच्छा लड़ाते हैं, बहुत अच्छी पेज काटे। ये देखिए हम दिखाते आपको पुन्नू की तरफ, ये दोस्तों देखिए ये है पुन्नू, मुंबई के उभरते हुए खिलाड़ी है ये। मैं आज बोल रहा हूँ आप हर प्लेयर के मुंह से सुनोगे ये चीज़, बहुत अच्छा लड़ाते हैं। बहुत ही शानदार पतंग काटी इन्होंने अभी दोस्तों। ये पेज हो रहा है नई मुस्ताद का, बोल बहुत ही शानदार पेज लड़ रहा है भाई ये। नई मुस्ताद है ऊपर से और नीचे से है शाहिद और नई मुस्ताद ने ये पेज बहुत ही खूबसूरती से काट दिया दोस्तों, बहुत अच्छे। दोस्तों ये पेज हो रहा है वहाब भाई, वहाब भाई के बीच में, वहाब भाई और विनोद भाई के बीच में। वहाब भाई है ऊपर से और नीचे से हैं विनोद भाई। आइए पेज का रिजल्ट देखते हैं दोस्तों क्या आता है। बहुत ही अच्छी पतंग चला रहे वहाब भाई। ये पेज सही हो चुका है दोस्तों, आप रिज़ल्ट देखते हैं। वहाब भाई का पेज है ये, आहा क्या बात है। ये इन्होंने घसीटम तानी की और वहाब भाई ये पेज कट गए दोस्तों। वहाब भाई को काटने वाले शख्स का नाम है विनोद, विनोद भाई ने वहाब भाई को बहुत अच्छे से काटा है दोस्तों। अगला पेज हो रहा है भगवान भाई और इमरान भाई के बीच में। भगवान भाई ने लिया है ऊपर का पेज और नीचे की जो पतंग है काली वाली वो है इमरान की और भगवान भाई की पतंग ऊपर से है, मतलब रिंकू भाई नाम है उनका, सब भगवान प्यार से बोलते हैं उनको। और बहुत ही शानदार पेज लड़ाते हैं, इलाहाबाद के खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छा लड़ाते हैं दोस्तों ये। इनकी पतंग जो देख रहे हैं वो ऊपर की है और नीचे की जो पतंग है वो है इमरान की, जो विवियन काइट क्लब से लड़ा रहे हैं। ये अंदर की तरफ घुस रहे हैं और पेज सही हो चुका है ये, बहुत ही अंदर की तरफ घुसे हैं ये। और ये इन्होंने रखा गदा और इमरान भाई ने बहुत ही खूबसूरती से ये रिंकू भाई का पेज काट दिए हैं, बहुत अच्छे इमरान भाई। दोस्तों ये अगला पेज होने जा रहा है, वो नीचे से वापस से इमरान और ऊपर से पिंकी भाई, किंग फाइटर के प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छा लड़ाते हैं ये भी। पेज सही हो चुका है दोस्तों और पेज चल रहा है अभी भी। ये पिंकी भाई ने गद्दा मारा और बहुत ही ज़मीन पे आ चुका है दोनों पेज और इन्होंने अपनी पतंग बचा ली। ये वापस से इन्होंने गद्दा मारा, पिंकी भाई ने ज़मीन पे गद्दा मार के बहुत ही खूबसूरत इन्होंने इमरान को काट दिया है। बहुत अच्छे पिंकी भाई, बहुत अच्छे पिंकी भाई।
दोस्तों अगला पेज चल रहा है, एक मिनट दोस्तों, अगला पेज चल रहा है, नीचे से है काशिप भाई और ऊपर से है शाहिद। और काशिप भाई ने इतना बेहतरीन काटा है दोस्तों, ये बहुत अच्छे काशिप भाई लड़ाते हैं, किंग फाइटर्स के कप्तान हैं, बहुत अच्छा पेज काटे काशिप भाई ने, बहुत खूब काशिप भाई। दोस्तों ये अगला पेज की तरफ बढ़ते हैं, नीचे से है काशिप भाई और ऊपर की जो पतंग है वो है गुफरान की। काशिप भाई ले रहे हैं नीचे का पेज और ऊपर का पेज ले रहे हैं गुफरान। पेज सही हो चुका है, ये रही दोनों की पतंग। लेफ्ट वाली पतंग जो है वो काशिप भाई की जो कि नीचे से है, और राइट साइड की पतंग है गुफरान की। पेज सही हो चुका है और काशिप भाई अंदर की तरफ घुसते हुए, और इन्होंने अपना मुट्ठा रखा गुफरान ने, काशिप भाई अपने पतंग बल पे लिए हुए और मौका ढूंढ रहे घसीटने का। थोड़ी अंदर की तरफ आए हैं ये गुफरान, और इन्होंने हल्का सा रखा और ये काशिप भाई ने घुमाया, और ये दोनों के बीच में घसीटम तान। और यहाँ पर दोस्तों काशिप भाई कट चुके हैं, काफ़ी अच्छा घसीटे थे मगर कटना तो था किसी एक को, काशिप भाई यहाँ कट चुके हैं। दोस्तों अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं, लेफ्ट वाली पतंग पुन्नू की जो कि ऊपर से पेज ले रहे और नीचे से गुफरान ले रहे, और पुन्नू भाई ने थोड़ा अंदर रखा और ये पुन्नू भाई ने इनके ऊपर गद्दा रखा, और गद्दा बचाते हुए वाह क्या पतंग बचाई है। खैर मगर गुफरान भाई को पुन्नू भाई ने बहुत ही शानदार काटा है भाई, दोस्तों बहुत शानदार लड़ाते पुन्नू भाई, आपने देखे उन्होंने पतंग बचा ली थी अपनी गुफरान भाई ने, थोड़ा सा मौका देख के वापिस से पट मार दिया, बहुत ही खूबसूरत पेज। आइए अगली पेज की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पेज देखिए, लेफ्ट वाली पतंग जो है वो काशिप भाई की और ऊपर से है शाहिद। काशिप भाई नीचे का पेज ले रहे, ऊपर का पेज ले रहे शाहिद। पेज इन लोग का सही हो चुका है दोस्तों, पेज की दूरी है 300 मीटर्स, और इन्होंने अंदर बल खाते हुए काशिप भाई पे गद्दा रखा, काशिप भाई ने थोड़ा पतंग अपनी पट की और ये दोनों के बीच में घसीटम तान हुई, और काशिप भाई ने बहुत ही खूबसूरती से ये पेज काट दिया है, बहुत अच्छे काशिप भाई। दोस्तों काशिप भाई का फिर से पेज हो रहा है, काशिप भाई है नीचे से और ऊपर से है शाहिद। ये एक और गद्दा पड़ा और काशिप भाई ने बहुत अच्छे से काट दिया इसको। दोस्तों काशिप भाई का तीसरा पेज लड़ने आ रहा है, काशिप भाई है नीचे से और ऊपर से है इनके विनोद। पेज इनका सही हो चुका है दोस्तों, लेफ्ट वाली पतंग जो है वो काशिप भाई की और ऊपर से है विनोद की पतंग। काशिप भाई मौका ढूंढ रहे घसीटने का और विनोद भी इनको कोई मौका नहीं दे रहा है। ये विनोद ने हल्का सा अंदर रखा, काशिप भाई अपनी पतंग पर बल दे रहे हैं, और इन्होंने मारा अभी गद्दा और दोनों के बीच घसीट तान हुई, और इस बार विनोद ने काशिप भाई को काट दिया है। दोस्तों पेज सही हो चुका है, नीचे से है शाहिद और ऊपर से हमारे पुन्नू भाई है। पुन्नू भाई ने थोड़ा अंदर रखा और ये शाहिद पतंग को बल देते हुए, और ये दोनों के बीच में घसीटम तानी हुई, और यहाँ पे शाहिद ने बहुत ही बेहतरीन पुन्नू को काट दिया है, बहुत अच्छा लड़ाते हैं शाहिद, और ये पतंग शाहिद ने काट दिए। दोस्तों अगला पेज देखते हैं, नीचे से है शाहिद और ऊपर से हमारे रिंकू भाई। ये पेज शुरू सही हो चुका है, जो नीचे की पतंग है वो है शाहिद की और जो ऊपर ताने हुए हैं वो है रिंकू। पेज सही हो चुका है और मैच लड़ रहा है ये दोस्तों चीता कैंप में, मुंबई का बहुत ही मशहूर ग्राउंड है। रिंकू भाई कोई मौका नहीं दे रहे, ये रिंकू भाई ने गद्दा रखा और इन्होंने रिंकू भाई ने इस बार शाहिद भाई को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने गद्दा मारा है और शाहिद कट चुके हैं। दोस्तों ये अगला पेज हो रहा है, पुन्नू है ऊपर से और नीचे से इमरान। पेज सही होने की आवाज़ आ चुकी है दोस्तों, सर के ऊपर ही पेज हो रहा है दोस्तों, ये ऊपर की पतंग पुन्नू की है और नीचे की इमरान की है।
और दोस्तों पुन्नू ने इमरान को बहुत ही शानदार तरीके से ये पेच काट दिया है। दोस्तों अगला मैच देखते हैं जो कि सही हो चुका है, लेफ्ट साइड की पतंग रिंकू भाई की और ऊपर से हमारे विनोद भाई। रिंकू भाई है नीचे से और ऊपर से विनोद की है, और ये दोनों ने गद्दा मारा, पतंग पूरी एकदम ग्राउंड पे लेके आ गए। एक इसमें से कट चुका है और कटने वाले शख्स है रिंकू भाई। विनोद भाई ने बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे रिंकू भाई के ऊपर गद्दा रखा और रिंकू भाई कट चुके हैं। दोस्तों अगला पेच हो रहा है, नीचे से है विनोद भाई और ऊपर से है रिंकू। क्या बेहतरीन गद्दा यहाँ पे रिंकू ने मारा है और विनोद भाई सही होते साथ ही पेच कट गए। दोस्तों अगला मैच हो रहा है, नीचे से गुफरान और ऊपर से है पुन्नू। लेफ्ट साइड की जो पतंग है वो पुन्नू की है और ऊपर की जो चढ़ी हुई पतंग दिख रही है नीचे से वो है गुफरान की। और पुन्नू भाई ने वापस से गद्दा मारा और गुफरान भाई को बहुत ही प्यारा पेच ये पुन्नू भाई ने यहाँ पे गुफरान को काट दिए। बहुत खूब पुन्नू भाई। दोस्तों ये पेच हो रहा है, पुन्नू ऊपर से ले रहे हैं और नीचे से इमरान है। बहुत ही शानदार पेच चल रहा है दोनों का, और ये पुन्नू ने वापस से गद्दा रखा इमरान के ऊपर। इमरान ने अपनी पतंग बचाई और ये पतंग इमरान की बच चुकी है। आइए वापस से देखते हैं ये पेच, समझते हैं इसको। इमरान बहुत ही अच्छी पतंग चला रहे नीचे से, ऊपर से हमारे पुन्नू भाई। ये वापस से हो रहा पेच, फिर पुन्नू ने यहाँ पे गद्दा रखने की कोशिश की और ये इस बार देखते सक्सेस होते कि नहीं। ये पुन्नू वापस से सक्सेस हो चुके, बहुत ही ज़मीन पे लिटा दे रहे पतंग पुन्नू अपनी। बहुत ही शानदार पेच पुन्नू ने, बैक टू बैक पुन्नू काट रहे हैं यहाँ पे पेच, बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों अगला पेच हो रहा है, नीचे से है शाहिद और ऊपर से है पुन्नू। नीचे वाली पतंग जो है शाहिद की, पेच सही हो चुका है, आवाज़ आ चुकी है सही की, और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बहुत ही शानदार पेच दिख रहा है ये कैमरे में, और ये पुन्नू ने वापस से गद्दा मारा शाहिद के ऊपर और इस बार शाहिद ने पुन्नू को काट दिया है। पुन्नू बहुत ही अच्छे से कटे हैं यहाँ पे। दोस्तों पेच देखिए, शाहिद है नीचे से और ऊपर से है हमारे पिंकी भाई। ज़मीन पे पेच लड़ रहा है दोस्तों। ये देखिए दोनों पतंगे, ये शाहिद पिंकी भाई अंदर गद्दा घुमाते हुए और शाहिद अपनी पतंग बचाते हुए कट गए। बहुत अच्छा पेच यहाँ पे पिंकी भाई ने काटा है। दोस्तों आइए अगला मैच देखते हैं, नीचे से पेज ले रहे नईम उस्ताद और ऊपर से पेज ले रहे हैं इमरान। ये कुछ पतंग दोनों बलों पे चल रही हैं। नईम उस्ताद ये पेज नीचे से ले रहे दोस्तों और ऊपर से ले रहे हमारे अर्पित भाई का पेज हो रहा है। दोस्तों अर्पित भाई हैं ऊपर से और नीचे से हमारे मुंबई के मशहूर खिलाड़ी नईम उस्ताद। पतंग पे दोनों पतंगों बल देते देते नीचे आ रहे हैं और अर्पित भाई ने पतंग रखी ऊपर और ये पेच सही हो चुका है। लेफ्ट साइड की पतंग है वो है नईम उस्ताद की और ऊपर से जो पतंग है वो है अर्पित भाई की। ये अर्पित भाई ने गद्दा रखा और ये गद्दा रखते साथ ही कट चुके हैं। बहुत ही शानदार यहाँ पे नईम उस्ताद ने ये पेच काटा है। बस दिखाओ मांझा, दिखाओ कितना लूटे, डर रहे क्यों, दिखाओ मांझा। अरे बाप रे, बेचोगे क्या इसको बच्चे लोग के बीच में हैं? ये सब लुटेरे है दोस्तों, जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं। ये देखो ये भी एक लुटेरा है, सद्दी तोड़ रहा है, मांझा तोड़ ले रहा है। खैर कोई नहीं, पेच की तरफ आते हैं दोस्तों। नईम उस्ताद अगला पेच ले रहे हैं नीचे से और ऊपर से ले रहे हैं हमारे विनोद कामली भाई। ये मत सेम छोड़। और ये पेच बहुत ही अच्छा, नईम उस्ताद ने ये पेच विनोद कामली का काट दिए भाई। दोस्तों अगला पेच लड़ रहा है नईम उस्ताद है नीचे से और ऊपर से है इमरान।
जो लेफ्ट साइड की पतंग है वो है नईम उस्ताद की, और ऊपर की जो पतंग है वो है इमरान की। वी वेन काइट क्लब से लड़ा रहे और नईम उस्ताद लड़ा रहे किंग फाइटर मुंबई से। दोनों पतंग तन गई है, खींचम तानी चलने की। अभी बहुत ही ऊपर दोनों लेके आ गए, नीचे से ग्राउंड से ऊपर कर लिए पतंग को। चलो दोनों पतंग बलों पे चलती हुई, ये रिजल्ट देखना है हमको। नईम उस्ताद बहुत ही अच्छा लड़ाते हैं दोस्तों। जो लेफ्ट साइड की पतंग दिख रही है आपको वो नईम उस्ताद की है, जो कि बैंड्रा में रहते हैं। और काफ़ी अच्छा स्टॉक भी आज लेके आए हैं, मैंने आपको स्टॉक भी दिखाया था वीडियो में। पतंग बलों पे चल रही है अभी और काफ़ी लेट पेश हो रहा है दोस्तों। ये कोई दोनों में से कोई मुट्ठा ही नहीं रख रहा है अपना, पेश सही हो चुका है। दोस्तों खींचम तानी चालू है दोनों के बीच में, देखिए खींचम तानी देखिए। कोई सी भी कट गई, ये ऊपर हो रही है ना पेच, एक कट गई भाई, कट गई। किसकी कटी? ओहो नईम उस्ताद ने काट दिए दोस्तों पतंग। देखिए क्या चलाते हैं नईम उस्ताद, और ये कट चुकी है इमरान भाई की पतंग। क्या पतंग जा रही है भाई इमरान भाई की। दोस्तों आइए नईम भाई का चौथा पेच देखते हैं, नीचे से हैं और ऊपर से है हमारे शाहिद भाई। शाहिद भाई से नईम भाई का पेच हो रहा है, नईम भाई चौथी पतंग उड़ा रहे अपनी। नईम भाई है नीचे से और नईम भाई ने शाहिद को चकमा देते हुए काट दिया है। ये देखिए शाहिद की पतंग जा रही है, बहुत खूब नईम भाई। दोस्तों आइए अगला पेज की तरफ बढ़ते हैं। नईम उस्ताद का छठा पेज लड़ने जा रहा है। नईम उस्ताद है नीचे से और ऊपर से हमारे विनोद भाई। पेज दोस्तों सही हो चुका है, ये पेज की दूरी है 800 मीटर, लंबा पेज लड़ रहा है शाम के वक्त। नीचे से ले रहे हैं पेज नईम उस्ताद और ऊपर से हमारे विनोद भाई। नईम उस्ताद का छठा पेज है, दोनों पतंगे बलों पे चल रही है और नईम उस्ताद ने झटके देके वापस से विनोद भाई को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार पेज इन्होंने काटा है। वाह, ये दोस्तों मैं नईम उस्ताद को आपको दिखा दूं। ये देखिए अभी जो इनका पेज आएगा इसके बाद दोस्तों ये सत्ते का पेज आएगा, छह पतंग इन्होंने काट दिए। बहुत ही अच्छा लड़ा रहे नईम भाई। आइए दोस्तों अगला पेज देखते हैं। नईम भाई हैं नीचे से और ऊपर से इमरान, सत्ते का पेज लड़ रहा है दोस्तों ये। आइए रिजल्ट देखते हैं, दोनों पतंग बलों पे। नईम भाई सही दो तीन बार बोल चुके हैं और ये सत्य का पेज हो रहा है दोस्तों। नईम भाई की पतंग है नीचे से और ऊपर से इमरान। काफ़ी अच्छा नज़ारा शाम का यहाँ पे चीता कैंप पे, और दोनों पतंग बलों पे चल रही है। नईम उस्ताद है नीचे से और ऊपर से है, ऊपर की पेज ले रहे हैं इमरान। वेटिंग फॉर द रिजल्ट दोस्तों, देखते हैं ये सत्ता मार पाते हैं कि नहीं आज। बहुत देर से दोनों पतंग बलों पे चल रही है, बहुत ही ग्राउंड तक के ले आए हैं। सत्ता मारना चाहिए, हम भी दुआ करते हैं। और नईम भाई ने सत्ता मार दिए दोस्तों, इनका सत्ते का पेज था और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से सत्ता मार दिया नईम भाई ने। ये देखिए उस्ताद का एक और सत्ता, बहुत ही खूबसूरत पतंग उड़ा रहे भाई आज, ये सत्ता मार दिए दोस्तों। आज नईम उस्ताद है सत्ता मार के लौट रहे और अपने और कैप्टन के चेहरे में खुशी देखिए कैप्टन के। 500 रुपए हमारी तरफ से, ये उस्ताद को 500 रुपए का इनाम मिला है वहाब भाई की तरफ से। कैप्टन साहब बड़े खुश लग रहे हैं, कितने टिकट आ गई? बहुत ही बढ़िया हमारे 17 टिकट, बहुत ही बढ़िया हमारे मुंबई के उस्ताद ने सत्ता मार दूर पे फरमान की रील बांधी। बाप रे,
32 और नईम उस्ताद की पतंग अभी भी। और ये हमारे रिंकू भाई, रिंकू भाई शुक्रिया मुझे यहाँ पे लेके आने का, बहुत बहुत भाई तुमको भी मुबारक हो आज के मैच की जीत। शुक्रिया, अच्छा शौक हुआ हमारा। और हम लोगों ने कितने पर्चे से काटा, 17 टिकट और एक सत्ते से काटा है भाई। हमारा खाता नहीं खुला था, हमने लास्ट में खोल लिया 3 पतंग कटने के बाद में। अब हमें चैन में चैन आ गया है और खूब इंजॉय करेंगे। आज पार्टी है हमारे जैद भाई की तरफ से। जी जी, ज़रूर ज़रूर भाई।